हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज बात करूंगा टेफ्लन के बारे में। टेफ्लन कहाँ कहाँ लगता है वो मैं आपको बताऊंगा, और टेफ्लन क्यों यूज होता है वो भी बताऊंगा आज मैं। तो शुरू करते हैं टेफ्लन के बारे में। देखिए, ये थ्रेड है मेरे हाथ में, कौन सा भी थ्रेड रहने दो उसमें टेफ्लन लगा सकते हैं। तो कौन सा भी थ्रेड में टेफ्लन लगता है, नेपल हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसमें अपन थ्रेड में लगाते हैं। जैसे जैसे मेरे हाथ में है एक थ्रेड है, तो इसमें रहता है कि टेफ्लन या स्लिप हो जाए या कुछ हो जाए, तो इसके लिए टेफ्लन लगाते हैं। बराबर टाइट नहीं होता है, लीकेज होता है, तो अपन उसको टेफ्लन यूज करते हैं। तो ठीक है, टेफ्लन कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लगाते हैं, मैं बताता हूँ। टेफ्लन क्लॉकवाइज में लगाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में टेफ्लन नहीं लगाते हैं। तो क्लॉकवाइज में लगाएंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज में लगाएंगे तो बराबर काम नहीं करेगा वो, वापस जब टाइट करेंगे ना तो निकल जाता है। क्लॉकवाइज में लगाएंगे ना तो बराबर होता है। जैसे कि ये देखिए, ये नट है ना, नट लगाते हैं इसमें, तो नट भी क्लॉकवाइज ही टाइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है। तो चलिए मैं टेप लगा के दिखाता हूँ आपको। ये मेरे हाथ में टेप है और मैं इसको लगाता हूँ अभी टेप को। देखिए, इसको क्लॉकवाइज ना बराबर लगाते हैं। क्लॉकवाइज लगाने से अब थ्रेड में बराबर पकड़ रहता है और निकलता नहीं है। तो ये देखिए, ये हो गया, टेफ्लन लगा के हो गया। अभी टेफ्लन लगा दिया, अभी नट टाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नट टाइट किया ना, तो ये बराबर, मतलब ये निकलेगा नहीं टेप। टेप उसके क्लॉकवाइज हमने टेप लगाया है, तो ये बराबर टाइट हो गया और टेप निकला नहीं वापस। देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा भी टेप नहीं निकल रहा है, बराबर वो टाइट हो जाएगा अभी। ठीक है, इसको निकालते हैं, निकाल के फिर ये टेप निकालते हैं। इधर फंस गया, निकल नहीं रहा है, वो चिपक गया था। ठीक है, निकल गया, अभी थोड़ा सा बाकी है। हाँ, ठीक है, रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते। फिर वो चिपक गया, निकलेगा नहीं। ठीक है, अभी अपन एंटी क्लॉकवाइज लगा के देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज लगा के देखते हैं टेप। ये देखिए दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज हमने टेप लगाया है, एंटी क्लॉकवाइज टेप लगा दिए। अभी इसमें क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज टेप अगर आप लगाते हैं ना, तो इसमें जब भी आप टाइट करते हैं या नेपल हुआ या कुछ हुआ, तो ये वापस उल्टा घूम जाता है। एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं ना, तो वापस वो, मतलब पूरा टेप टूट जाता है, तो वो बराबर ग्रिप में बैठता नहीं है। और कोई सा भी नट बोल्ट हो, वो क्लॉकवाइज टाइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज खुलता है। तो ऐसा सब में होता है, या नेपल हुआ या कौन सा भी थ्रेड वाला चीज़ हुआ, उसमें टेफ्लन लगा के बराबर उसको टाइट करते हैं। हाँ दोस्तों, और दूसरा और बात ये है कि पलम ये थ्रेड हो गया ना, थ्रेड में लगाते हैं, तो ये थ्रेड में लगा दिए तो और काम जैसे हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया। प्लम्बिंग में थ्रेड रहता है, उसमें टाइट करते हैं, थ्रेड में भी लगाते हैं, प्लम्बिंग में लगाते हैं। लोखन का जो भी थ्रेड का काम रहता है ना, उसमें ये टेफ्लन यूज होता है और ये बराबर टाइट हो जाता है। तो एक हो गया इसके बारे में, थ्रेड में टेफ्लन कैसे लगाते हैं उसके बारे में हो गया। टेफ्लन का उपयोग किधर किधर होता है, तो टेफ्लन का उपयोग अपना प्लम्बिंग में ज़्यादा होता है। बाकी जो भी थ्रेड का काम रहता है, उसमें सब में टेफ्लन यूज होता है। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।